तो 3, 2, 1, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई भाई। इसी चीज की मुझे टेंशन थी कहीं ये हो ही ना। हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। तो लास्ट जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो थी प्लेस्टेशन 5 की, उस पर बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया। लगभग एक दिन में 3 लाख पार व्यूज हो चुके थे और लाइक्स भी बहुत तगड़े थे। तो उस वीडियो में मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसमें मैं इसका पूरा सेटअप करूंगा, कैसे कैसे इसका टीवी के साथ कनेक्शंस होते हैं और उसके बाद फर्स्ट बूट कैसा होता है, पूरा यूआई जो है यूज़र इंटरफेस वो कैसा है, मेन्यू कैसा है, सेटिंग्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, वो सब अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली ये वाली वो वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो का लाइक एम भी भाई 40,000 रख देते हैं, पिछले वाले में तो पूरे हो गए थे, इसमें भी आप करवा ही दोगे। तो ये है भाई कंसोल, अगर इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, क्या क्या डब्बे के अंदर निकलता है वो सब मैंने बता दिया था। अब इस वाली वीडियो में देख लो सामने रखा हुआ है ये, और टीवी जो है वो मैं यूज़ करूँगा अपना MI वाला 65 इंच का, वो दूसरे रूम में है, पहले मैं स्टार्टिंग कर दूँ यहाँ पर फिर वहाँ पर चलेंगे। और इसके साथ आपने देखा होगा बॉक्स के अंदर एक ही स्टैंड आता है, तो इससे आप PS को अपने वर्टिकली भी खड़ा कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी, मतलब लेटा भी सकते हो और खड़ा भी कर सकते हो। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं पहले तो मैं वो बता दूँ आपको। ऐसे लेटा के यूज़ करना बहुत सिंपल है। ये जो PS वाली साइड है आप देख रहे हो ये वाली, ये हमेशा रहेगी ऊपर ऐसे, और इसका जो ये बैक साइड है ये वाला, ये सॉरी गलती से, तो जहाँ पर ये HDMI केबल्स वगैरह रखती है ये है इसका बैक साइड। यहाँ पर ये देख सकते हो इस तरह का इसमें माउंट दे रखा है, तो इसको क्या करना है आपको नॉर्मली बस फिट कर देना पीछे, बहुत इजी स्टेप है। ये देखो इस तरह से, तो ये सेटअप हो गया है। अब इसके बाद आप इसको आराम से टेबल पर रख सकते हो। तो इससे क्या होगा भाई, ये बैलेंस्ड रहेगा, हिले डुलेगा नहीं। अगर आप इस स्टैंड के बिना इसको रखोगे ना तो ये यूं हिलता रहता है, तो ये स्टैंड लगाना ज़रूरी है। प्लस नीचे स्क्रैचेस भी नहीं आते आपकी प्लेस्टेशन की बॉडी पे अगर आप इस तरह से स्टैंड लगा के रखोगे। तो ये तो था लेटा के रखना बिल्कुल नॉर्मल। अब स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे रखेंगे, उसमें थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसके लिए क्या करना है आपको, पहले ये स्टैंड लेना है, यहाँ से आपको इस स्टैंड को पकड़ना है। मैं प्लेस्टेशन साइड कर दूँ पहले, ये लो। तो ये देखो ये स्टैंड है, तो ये जो चीज़ है ना आपको इसको टर्न करना है, ऊपर से पकड़ो यहाँ से और इसको टर्न कर दो। तो जब आप टर्न करोगे पीछे देखो ये स्क्रू निकल जाएगा। अब मैं इसको वापस बंद करता हूँ पहले। तो ये पहले था कुछ ऐसे, और जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो ये एक स्क्रू निकल के आ गया है। तो इस स्क्रू को भाई आपको बाहर निकालना है, क्योंकि इसके बिना स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा प्लेस्टेशन नहीं लग पाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो प्लेस्टेशन 5 है उसके नीचे यहाँ देखो ये छोटा सा गोल सा आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये निकल जाएगा भाई। मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से। तो ये देखो ये नीचे से निकल चुका है और मेरे हाथ में है ये, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। एक तो भाई इतना भारी है ध्यान से रखना पड़ रहा है। तो ये देखो भाई ये चीज़ है वो जो प्लेस्टेशन के नीचे से निकलेगी, और इसको आपको संभाल के इसी के पीछे जो ये जगह निकलती है ना इसके अंदर रख देना है ताकि ये खोए ना। तो यहाँ पर लग गया, और अब वापस से मैं इसको घुमा के बंद कर दूंगा। तो हमने बेसिकली करा क्या है, इसके अंदर से पेच निकाल लिया और ये हटा दिया। करना क्या है, सिंपली आपको इस तरह से प्लेस्टेशन को रखना है, स्टैंड को लेना है, यहाँ पर ऊपर फिक्स कर देना है और जो स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे भाई यहाँ से। तो इतना सा काम है बस, ये थोड़ा सा पेचकस की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मेरे नाखून ही काफ़ी है इसके लिए भाई। तो अभी हल्का फुल्का मैंने अटैच कर दिया है क्योंकि अच्छे से पेचकस चाहिए पड़ेगा। तो ये देखो भाई इस तरह से स्टैंड जो है नीचे माउंट हो गया, अब इसको आप इजीली जो है वो खड़ा कर सकते हो। अब मैंने इसके बिना भी PS को खड़ा करके देखा है तो वो आराम से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसके साथ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नीचे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। तो ये तो था भाई स्टैंड का सेटअप। अब फटाफट से जाते हैं, मैं दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली थी और कहाँ कहाँ पे उसको अटैच करना है और फिर ऑन करेंगे। तो उस रूम में मिलता हूँ आपसे सीधा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी एक्सेसरीज रखी हुई है। ये रहा अपना नया प्लेस्टेशन 5, चमचमाता हुआ प्लेस्टेशन 5, और ये है अपना MI का 65 इंच का 4K टीवी। आई नो वीडियो में ये पता नहीं चल रहा है कि भाई 65 इंच है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अगर मैं अपने पूरे हाथ फैलाऊँ ना ये देखो तो इतना बड़ा है ये लगभग, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये वाइड एंगल लेंस है इसलिए आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा कि है ये बड़ा, बट भाई मेरी बात मान लो भाई। सबसे पहले तो भाई जो प्लेस्टेशन है उसको हम लेटा के रखेंगे ना कि खड़ा करके, वरना टीवी का जो व्यू है वो ब्लॉक होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये लगा दिया। सॉरी इसको उल्टा रखता हूँ क्योंकि कनेक्शन दिखाने पड़ेंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। सबसे पहले तो देख सकते हो ये है इसकी पावर केबल। अब क्योंकि ये दुबई का पीस है, इंपोर्टेड वाला प्लेस्टेशन है, तो ये पावर का जो सॉकेट है वो भी बाहर का ही है। तो अगर इंडियन प्लग्स में आपको लगाना है तो इस तरह का एक एडेप्टर लेना पड़ेगा, या फिर एक्सटेंशन में भी इस तरह के प्लग लग जाते हैं।
तो मेरे पास ये अडेप्टर पड़ा था, मैं इस तरह से इसको इसमें लगा देता हूँ। तो अब जो है ये हमारे नॉर्मल वाले सॉकेट्स में लग जाएगा इजीली। तो ये इंसर्ट कर देते हैं, हमारा जो प्लेस्टेशन का सॉकेट है पीछे पावर का, ये लग चुका है। इसके अलावा हमें मिलती है ये बॉक्स के अंदर HDMI केबल, जिसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो मुझे नहीं लगता ये मेरे टीवी में लग पाएगी इतनी छोटी होने की वजह से, पर एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये साथ में ही आई है कंसोल के, इसलिए मैं यही लगाना चाहता हूँ। वरना मेरे पास वैसे 4K वाली हाई स्पीड HDMI केबल पड़ी है, बट देखते हैं लगा के, ठीक है यार साइज़। तो ये एक तो पीछे लगा दिया है HDMI के स्लॉट में, और दूसरा मैं कर देता हूँ टीवी के साथ कनेक्ट इसको। तो मुझे प्लेस्टेशन जो है वो थोड़ा इधर करना पड़ा, क्योंकि HDMI केबल आ नहीं रही थी फिट। अब ये आराम से लग जाएगी, तो मैं टीवी के पीछे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अरे अरे अरे, लग जा। ये लो जी, फाइनली लग गई है हमारी HDMI केबल भी। अब इसको उठा के उल्टा कर देते हैं, ताकि सारी वायर्स पीछे चली जाए और जो फ्रंट साइड है डिस्क वाला वो आगे आ जाए। हाँ, अब ये सही लग रहा है बिल्कुल, कुछ इस तरह से। और इस एक्सटेंशन में मैं लगाऊंगा इसको, तो अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी नोटिस करा। ये देखो, इस एक्सटेंशन में बाहर के प्लग लग जाते हैं, तो ये डायरेक्टली जो है इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर भाई किसी भी तरह की अभी कोई लाइट नहीं आई है, मुझे दिख तो नहीं रही है, बट ये जो कंट्रोलर आया है और इसके साथ टाइप सी केबल आई है, इसको भी मैं खोल ही लेता हूँ और USB पोर्ट में लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को TV स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है फर्स्ट टाइम जब मैं ऑन बटन दबाऊंगा। ये लग गया है ये बस, और इसको अभी कनेक्ट नहीं करते, अगर मांगेगा कनेक्ट करने के लिए तो कर देंगे फटाफट से। अब TV ऑन करते हैं भाई, और फिर बटन दबाएंगे फर्स्ट टाइम। अपना TV जो है भाई वो तो ऑन हो चुका है, और HDMI 2 पे मैं इसको कर देता हूँ सेट, ये रहा। और अब करते हैं भाई फाइनली, तो 3, 2, 1, हो गई। भाई इसी चीज़ की मुझे टेंशन थी, कहीं ये हो ही ना। तो आप देख सकते हो नीचे लाइट जल चुकी है प्लेस्टेशन में। ओ हो, भाई प्लेस्टेशन का लोगो आ गया है अपना फेवरेट। हो जा स्टार्ट। यस, गजब। ओ भाई साहब क्या बात है, मैं थोड़ी वॉल्यूम करूं टीवी की। ओए होए 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 भाई, क्या लुक आ रही है, देख रहे हो। अच्छा, तो अब कंट्रोलर जो है वो मांग लिया कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने सब कुछ रेडी रखा हुआ था। ये मैंने लगाई टाइप सी केबल, और कंट्रोलर जो है मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा कंट्रोलर, और पीछे मांग रहा है बटन दबाने को। ओके, तो PS बटन भी दबा दिया मैंने। हो गया भैया स्क्रीन, तो चालू हो चुकी है स्क्रीन। अब फटाफट से सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज हमने कर दिया है इंग्लिश। इसके बाद वाईफाई कनेक्शन मांग रहा है, तो कनेक्ट कर देता हूँ। देख रहे हो भाई इंटरफेस कितना तगड़ा है। ओहो भाई मस्त लग रहा है, देखते कितनी देर में कनेक्ट होता है। ओके, हो जाओ। तो मैं कोई भी ना कट नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में, जो है वो आपको एग्जैक्ट सामने दिख रहा है जितना देर लग रहा है। होने दो, कनेक्टिंग टू इंटरनेट दिखा रहा है। ओके, तो कनेक्ट हो चुका है, हार्डली 15 सेकंड लिए होंगे। ओके, डिस्प्ले एरिया जो है एडजस्ट करने के लिए कह रहा है, ये परफेक्ट है, ठीक है। ओके, कर दिया। अब यहाँ पर आ गया एडजस्ट HDR का, तो हमें इतना सेलेक्ट करना है कि ये जो सिंबल है वो बेरली विजिबल हो, मतलब हल्का विजिबल रहे। ज़्यादा हो गया, हाँ अब ठीक है, डन है। अब ये हमें एक और एडजस्ट करना है HDR, इसमें भी सिंबल जो है वो हमारा बेरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है इतना। एंड ये तीसरा आ गया है, इसमें भी बेरली विजिबल हो। ओके, डन, तो कर दिया है। अब यहाँ पर मांग रहा है इफ़ यू हैव अ गेम डिस्क इंसर्टेड नाउ एंड वी विल इंस्टॉल इट वाइल यू कंटिन्यू विद सेटअप। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास अभी कोई डिस्क है तो भाई अभी इंसर्ट कर दो, ताकि हम बैकग्राउंड में उसको जो है वो इंस्टॉल करते रहे और आप इतने सेटअप कर लोगे, बट हम करेंगे कंटिन्यू विदाउट डिस्क, अभी हम कोई डिस्क नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर आ गए हमारे पास पावर ऑप्शन फॉर रेस्ट मोड, तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड एंड द फीचर योर PS5 कैन यूज वाइल इन रेस्ट मोड। अच्छा, तो रेस्ट मोड में हम चूज कर सकते हैं कि दो ऑप्शन है और कस्टम भी। तो लो पावर मोड में क्या है, जो पावर है वो लेस कंज्यूम करेगा, फीचर जो है वो काफी सारे डिसेबल हो जाएंगे, और डाउनलोड और इंस्टॉल कोई भी चीज अभी होगी जब कंसोल ऑन होगा, और जो कंट्रोलर है वो भी चार्ज नहीं होगा, तो मैं ये यूज नहीं करूंगा। दूसरा है ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस, जिसमें है ऑलवेज अप्लाई द लेटेस्ट अपडेट, अपडेट्स होती रहेगी। प्लेस्टेशन ऐप थ्रू मैं इसको जो है ऑन ऑफ कर सकता हूं, और साथ ही साथ भाई कंट्रोलर को भी चार्ज कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से यही ज्यादा अभी सही लग रहा है मुझे। ओके, कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट आ गया है, आई एग्री पे करके कंफर्म कर देता हूँ, ये तो कौन ही पड़ता है खैर। ओके, तो मेरे ख्याल से अपडेट आ गया है, अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू यूज नेटवर्क फीचर्स एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर PS4। तो अभी अपडेट करना पड़ेगा, कंटिन्यू करते हैं। द PS5 सिस्टम सॉफ्टवेयर विल बी अपडेटेड, योर PS5 विल रीस्टार्ट एंड स्टार्ट द अपडेट, ऑल डेटा फॉर गेस्ट विल बी डिलीटेड। ठीक है, अभी तो कोई डेटा है ही नहीं,
तो 868 MB की आप देख सकते हो जो डाउनलोड है वो अपडेट आया हुआ है और अराउंड यहाँ पर 6 मिनट दिखा रहा है, तो फटाफट से डाउनलोड होने देते हैं। नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो आ रही है क्योंकि दूसरे रूम में राउटर लगा हुआ है। ऑलमोस्ट जो है वो भाई डाउनलोड हो गया और मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी ताकि आपको स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली दिखे, और कंट्रोलर से मैंने जो इसकी वायर थी वो भी हटा दिया देख सकते हो, तो बिना वायर के मतलब वायरलेसली काम कर रहा है अभी ये। ओके तो फाइनली हो गया, देख लो यहाँ पे लिखा आ चुका है रीस्टार्टिंग योर PS5। ओहो 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 भाई इंस्टॉल कितना तगड़ा हो रहा है, 800 MB, कितने 4-5 सेकंड में इंस्टॉल कर दिया भाई 800 MB, तो ये कमाल है। इसमें हाई स्पीड SSD का जो 800 GB की SSD लगी हुई है, इसलिए भाई जो गेम्स की लोडिंग स्पीड है ना वो भी अल्ट्रा फास्ट होने वाली है, मतलब ना के बराबर लोडिंग जो टाइम होता है वो हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो रही है वापस से कुछ, भाई वो वाला जो इंस्टॉलेशन था वो भी 7-8 सेकंड में कंप्लीट हो गया, और अब दूसरी बार जो है हमारी प्लेस्टेशन 5 रीस्टार्ट हुई है। ओके तो अब आ गया है भाई PS बटन दबाने का टाइम, ये लो जी दबा दिया हमने कंट्रोलर में। ओहो तो ये आ गया वायरलेस कंट्रोलर डिवाइस सॉफ्टवेयर। ओ भाई तो कंट्रोलर का भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, तो मुझे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा USB से जल्दी से। ए कर दिया है और इसको भी अपडेट कर ही लेते हैं भाई हाथों हाथ। चलो जी अपडेट नाउ। ये देखो भाई कितना तेज हो रहा है, और ऊपर गेम की नोटिफिकेशन आई है एस्ट्रोस प्ले रूम एडिट टू डाउनलोड, क्या बात है। चल 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 जल्दी हो जा भैया, हाई स्पीड SSD का कमाल देख रहे हो। ओहो रीस्टार्टिंग और कंट्रोलर, ठीक है तो कंट्रोलर को रीस्टार्ट किया जा रहा है, हो भी गया। ओ भाई साहब तो यहाँ पर अब हम जो है वो साइन इन कर सकते हैं अपने PlayStation ऐप की मदद से भी और अपने अकाउंट की मदद से भी, तो ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करेंगे। अब अपना यूजर का अवतार चूज कर सकता हूँ, तो मुझे भाई क्रेटोस चाहिए, कहाँ है अपना, काफी सारे हैं देखो गेम्स के अलग अलग। ये रहा भाई, तो ये डन करते हैं, यूजर में लिखते हैं अनमोल। चलो जी, और क्रेटोस की साइड में फोटो, डन। तो एक यूजर बन चुका है, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर। वेलकम टू PlayStation 5। भाई मेरे सच में रोंगटे खड़े हुए पड़े इस वक्त। ओहो ये आ गया भाई, क्या बात है, देख रहे हो PlayStation स्टोर, एस्ट्रोस प्ले रूम, मीडिया गैलरी, गेम लाइब्रेरी, ऊपर यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन है, एप्स वगैरह दिख जाएगी, सर्च कर सकते हो। ये है सेटिंग्स का ऑप्शन, सेटिंग्स में जाते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ओ सेटिंग्स तो कुछ कुछ PlayStation 4 जैसी लग रही है, कुछ कुछ क्या ज़्यादातर वही लग रही है। और स्टोरेज देख लेते हैं एक बार, टोटल स्टोरेज जो फ्री मिली है हमें वो मिली है भाई 648.4 GB की, साइज जबकि टोटल है 667.2 GB, लिखा हुआ था 800 कुछ GB बट मिल रही है वो है 667.2 GB, और उसमें से भी जो है वो कुछ गेम्स और ऐप्स ने ले लिया है 11 GB के आसपास और अदर्स ने 7 GB। तो टोटल इन शॉर्ट आपको नया कंसोल जब आप खोलोगे ना तो 648.4 GB आपको खाली मिलेगा, और यहाँ पे है एक्सटेंडेड स्टोरेज का ऑप्शन, USB ड्राइव भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे कभी आने वाली वीडियोस में, अब तो बहुत कंटेंट ही कंटेंट आने वाला है। बाकी सिस्टम्स में देखते हैं कुछ ढंग का मिलता है। तो ये जो फीचर है ना इनेबल HDMI डिवाइस लिंक, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा ना तो जैसे ही मैं अपनी PS5 को ऑन करा करूंगा ना मेरा TV भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो ये अच्छा फीचर है इसलिए मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। बाकी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम चूज कर सकते हो, ऑलरेडी कोलकाता का टाइम जोन डला हुआ है, रिमोट प्ले आ गया यहाँ पर, पावर सेविंग ऑप्शन आ गए, वेब ब्राउजर आ गया, बाकी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, डेटा ट्रांसफर का रीसेट ऑप्शन है, बैकअप एंड रिस्टोर है, तो ये ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ भी हमारे मतलब का नहीं है। बैक करते हैं भाई, इसके बाद पेरेंट एंड फैमिली कंट्रोल आ गया, नेटवर्क आ गया वाईफाई से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, और भी चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर वाली वीडियोस में अच्छे से इन डिटेल बात करेंगे। साउंड की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया भी था कि इसके कंट्रोलर में इनबिल्ट माइक्रोफोन आ गया, तो अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलोगे और जिसमें आपको दोस्तों से बात करनी है तो आप कंट्रोलर की मदद से भी जो है चैट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन या हेडफोन नहीं लगाना। यहाँ से आप अपने हेडफोन के लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा ये कुछ और ऑप्शन है। ऑडियो आउटपुट में देख सकते हो HDMI डिवाइस पर अभी सेलेक्ट है, और ये स्विच ऑटोमेटिकली है, जैसे ही अपने आप हेडसेट अगर कनेक्ट करोगे तो हेडसेट पे शिफ्ट हो जाएगी, वरना HDMI पे रहेगी TV पे। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम, तो स्पीकर्स की वॉल्यूम अभी कम है थोड़ी सी, फुल हो भी नहीं रही है मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं सॉरी मेरी गलती थी, ये लो तो इसको मैंने फुल कर दिया। चलो इसके बाद आता है स्क्रीन एंड वीडियो, तो यहाँ पर आता है भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। पहले तो वीडियो आउटपुट में देख सकते हो रेजोल्यूशन 4K में चल रहा है, क्योंकि मेरा 4K टीवी है 60Hz का, 8K टीवी ऑब्वियसली बात अभी तो मेरे पास नहीं है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस दे रखे कलर फॉर्मेट वगैरह के, तो ये सब चेंज नहीं कर सकते। बैकग्राउंड में अच्छा नीचे देखो आप लिखा हुआ मिल जाएगा अवेलेबल फ्रिक्वेंसीज फॉर 4K आउटपुट,
तो 4K के लिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज दे रखा है टीवी के हिसाब से। रेजोल्यूशन जो है ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट है, आप चूज़ कर सकते हो 720, 1080, 1080p, 2160p, 8K का शायद से जब टीवी आएगा तभी ऑन होगा फीचर। स्क्रीन की बात करें तो डिस्प्ले एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, डिम कितने देर में होगा, इनएक्टिव मतलब कितनी देर में हो जाएगा, 15 मिनट सेलेक्ट है तो इसको डोंट डिम कर देते हैं या कर ही देते हैं भाई, 15 मिनट सही है। और यह है BDD मतलब ब्लू रे डिस्क, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। एक्सेसरीज में यहाँ पर हमारा कंट्रोलर वगैरह को ऑन ऑफ कर सकते हो, गेम्स का सेव डेटा मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अपना लाइव स्ट्रीम का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर अपना एवतार है प्रोफाइल, मतलब कि अभी ऑफलाइन है हम क्योंकि कोई भी साइन इन नहीं कर रखा, तो मैं ये साइन इन करता हूँ। नहीं छोड़ो, इस वीडियो में नहीं करेंगे वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आने वाली वीडियोज़ के लिए भी भाई कॉन्टेंट की कमी पड़ जाएगी वरना। तो भाई ये थी नए PlayStation 5 की पूरा सेटअप इंस्टॉलेशन, आप कह सकते हो फर्स्ट बूट कैसा था। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी 40,000 लाइक्स का एम रखा भाई, मुझे पता आप लोग करवा दोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी PS Plus सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से सोनी जो है वो PlayStation 4 की काफ़ी सारी गेम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन के साथ या PS Plus की मेंबरशिप के साथ फ्री दे रहा है, तो उन सबको रिडीम कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।